SO2 पीएच, और गुड इसके मॉर्निंग माय नेगेटिव डियर चार्ज, स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव चार्ज चलिए कहाँ पे अटैक कर रहा स्टार्ट है? ये करते हैं। आज नेगेटिव चार्ज बहुत ही वन नंबर इम्पोर्टेंट कार्बन पे टॉपिक अटैक कर रहा है, रहने वाला उसको है। अटैक करा, ये वन नंबर कार्बन 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 डबल ऑक्सीजन बॉन्ड जो फॉर्मेशन क्लियर के है वो अंदर पांच से हमें आज बनेगा। स्टडी करना है इट मींस टैबे आपके पास रिएजेंट। वन नंबर और बहुत सल्फर एटम इंपॉर्टेंट तो वन मोल ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट ऑक्सीजन है यूज हो जिसका यूज हम सकती है करते हैं कार्बन टेन कार्बन लाख डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्मेशन यूज हो में। सकती है। और अब इसे हम आपने क्या शॉर्ट ट्रिप यूज भी किया, कोई बीस बताने वाले यूज़ हैं किया, इस बीस लेक्चर के कार्बन अंदर, के तो आपके पास प्लीज टोटल इसे बहुत या ही इजीली हाइड्रोजन वे के अंदर हाइड्रोजन हम इसे हाइड्रोजन समझ वन नंबर लेंगे जो पहले, कार्बन है, देन हम शॉर्ट ट्रिप इसमें के रूप से में वन इसे नंबर कार्बन सॉल्व और करके देख आगे लेंगे। टू तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन टैबे कार्बन रिएजेंट यूज है एच एच वो क्या एक थ्री ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है जो कार्बन है जो इट कार्बन मीन्स डबल सल्फर के बॉन्डेड लिए टू रीजन है ऑक्सीजन, अगर हमारे पास एज अ कोई टोटल स्टार्टिंग कार्बन मटेरियल है उसको ये कन्वर्ट टोटल करता है एक कार्बन परसेंट डबल ये बॉन्डेड टू आपके पास कार्बन। क्या होगा वन नंबर पे इट मींस नेगेटिव ये चार्ज हो टर्मिनल के ऊपर लाइक सी एच दिस टू बेस को ऐड अटैक कर करता है देता ये है, नेगेटिव यहाँ पे चार्ज आपके आपके पास आ रहा है। टू अब ये क्या कोई होगा भी जो सब सेनेट स्टिट्यूएंट रह सकते यूनिट हैं, के बारे में इसलिए आपने इसका बात की केमिस्ट्री थी के अंदर बहुत स्टेबल मेन सल्फर इंपॉर्टेंस ये बढ़ आपको जाता है। देखने इट को मिल मींस रहा है, कैसा दिखने मैं को इसको मिल रहा कंपेयर करके भी आपको है बताने कंपेयर वाला हूँ कि टू इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा रहती है। तो अब सबसे अगर पहले आप कि जो इसे टैब रिएजेंट रिएजेंट है वो बनाते हैं सिंथेसाइज कैसे करते हैं, एल्डिहाइड से तो नेक्स्ट वन तो ओवरऑल हम मुझे पढ़ लेते लगता हैं। है कि इसमें स्टेबलाइज्ड सल्फर सिंथेसिस के लिए करने के लिए हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट चाहिए, मुझे चाहिए डाइसाइक्लोपेंटा डाइनाइल टाइटेनियम डाई क्लोराइड, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। इसकी रिएक्शन हमें मुझे मिलेगा करवानी है AlNe3 से, अगर मेरे पास तो हमारे पास क्या बनने वाला है HCl एलिमिनेट होगा आपका किसी एक जो AlNe3 का एक मेरे पास H है तो मुझे वो क्या मिलेगा एक Cl के साथ कंबाइंड होकर HCl माइनस के रूप में बनाएगा क्योंकि जो H रहेगा वो एज अ न्यूक्लोफाइल की तरफ बिहेव करेगा ठीक। और मेटल के ऊपर जो भी क्लोराइड है ये न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह उसके लिए वो रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा माइनस HCl। और आपके पास नेक्स्ट वन आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्डेड ओ इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं टैबे रिएजेंट, यानी कि एक ये फोर मेंबर रिंग के रूप में रहता है जहां पे आपको इसे याद रखना है कि दिस वन इज CH2, ये क्या है आपके पास CH2 मॉलिटी है यहाँ पे जिसे मैंने देन आफ्टर आपके पास इस टाइप से रिप्रेजेंट आपके पास किया है, दिस वन इज CH2 और ये आपके पास टैब रिएजेंट। फर्दर जब हम इसे थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म सॉरी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो अब क्या होता है हमें पता है कि मेटल से अटैच्ड कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रहते हैं यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, तो ये बॉन्ड जो है कार्बन एल्यूमिनियम ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होता है यहाँ पे दिस वन इज क्या रहेंगे दूर रहेंगे ओके। तो जो टाइटेनियम क्लोराइड बॉन्ड है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा ओ माइनस इसके ऊपर Al के ऊपर ठीक, यानी कि आपके पास बनने वाला है सीपी क्राइस टाइटेनियम डबल बॉन्डेड टू CH2 जो कि आपके पास मेटल कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बिन। कार्बिन हमारे पास बन गया जो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। दो टाइप के कार्बन होते हैं स्रॉक एंड फीसर कार्बन हाईलाइट किया ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बाहर निकला वो रहेगा ClAlNe2, तो इसे अभी पोज करके रखना, हमें जो स्टडी करनी है किसके ऊपर करनी है हमें स्टडी करनी है सीपी टू टाइटेनियम डबल बॉन्डेड टू CH2। अब हम जो रिएजेंट यूज में लेने वाले हैं वो रहेगा मेरे पास बेंजाइल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड रह सकता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन हो, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो एमाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, अगर कोई भी मॉलिटी जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन हो ठीक, तो वो क्या करेगा कार्बिन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो कार्बिन को मैं इस टाइप से अरेंज कर लेता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ ऊपर कार्बिन और नीचे मैं अरेंज करता हूँ दिस वन इज एल्डिहाइड। इस टाइप से अरेंज करना है कि जो कार्बिन का कार्बन है वो एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के नीचे रहे लाइक दिस वन, ये आपका एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहेगा और जो ऑक्सीजन है वो टाइटेनियम के नीचे रहे। अब क्या करना है आपको देखिए इस टाइप से बॉन्ड इसके अंदर रोटेट करेगा, हमें मुझे पता है कि मेटल कार्बन बॉन्ड में कार्बन जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड जो है आपका इस कार्बन के ऊपर अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा जो दिस वन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट रहेगा आपका टाइटेनियम यानी कि मेटल के ऊपर, तो आपके पास जो बनेगा इंटरमीडिएट उससे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ सॉरी येलो मार्क से मैं हाईलाइट करता हूँ तो येलो मार्क से सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन तो आपके पास अब जो पहले मैं इसको नेम देता हूँ ताकि हम सभी इसके अंदर डाउट ना हो, दिस इज वन दिस इज टू थ्री एंड फोर, तो वन से पहले फोर के ऊपर अटैक हुआ
इससे क्या हुआ, थ्री नंबर से जो बॉन्डेड बॉन्ड था वो टू के ऊपर अटैक हुआ, तो मैं नाम देता हूँ 1, 2, 3 एंड 4, तो ये मेरे पास बन गया 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब वापस से बॉन्ड रोटेट होगा, अब क्या करना, आपके पास टाइटेनियम की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रहती है, तो ऑक्सीजन डेफिनेटली टाइटेनियम के साथ बाहर निकलना चाहेगा, तो जो ऑक्सीजन बॉन्डेड अभी 4 नंबर कार्बन है वो बॉन्ड शिफ्ट होगा आपके पास टाइटेनियम के ऊपर, ठीक है। और जो टाइटेनियम और कार्बन वन के बीच का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा, क्योंकि अब कार्बन वन है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपने अटैक करता है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा 1 एंड 4 के बीच में, तो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ 1 एंड 4 के बीच में, तो 1 नंबर कार्बन एंड 4 नंबर कार्बन के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड, और इसके साथ 4 नंबर कार्बन के साथ अटैच है पीएच, ओके। तो देख लेते हैं, यही हमको यहाँ पे शो करना है, देखिए डबल बॉन्ड जस्ट ये था जूलिया ऑलिफ्रेंसिस, मतलब इसमें दिस वन, तो ये आपके पास मिल गया मेरे पास प्रोडक्ट बेसिक ऑर्गेनिक, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, तो डेफिनेटली ये जो नंबर था ये रहेगा आपके पास 1 नंबर और ये 4 नंबर, तो 4 के ऊपर पीएच अटैच दो, तो ये हमने पीएच को यहाँ पे शो किया है, और जो बाय प्रोडक्ट निकला सीपी ट्वाइस टाइटेनियम ऑक्साइड, तो ये मिल गया मेरे पास सीपी ट्वाइस टाइटेनियम ऑक्साइड, मुझे बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये था आपके पास ओवरऑल, आपको बता दी जब आपके पास टैबे रिएजेंट से हमने क्या किया कि एल्डिहाइड जो हमने लिया था, देखिए ये एक तरह से बेंजल्डिहाइड था, मैं यहाँ पे शो करता हूँ पीएच दिस कार्बन दिस एच एंड दिस डबल बॉन्ड ओ, अगर मैंने टैबे रिएजेंट लिया तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना, पीएच दिस कार्बन ये डबल बॉन्डेड टू सीएच टू हो गया और यहाँ पे एच रहेगा, जिसे मैं शॉर्ट में क्या लिखता हूँ, शॉर्ट में अगर मुझे लाइन स्ट्रक्चर में लिखना है तो इसे मैं पीएच दिस कार्बन दिस वन, ओके। तो यही प्रोडक्ट मेरा यहाँ बना है, इसे अप्लाई करके देखना है, ठीक। इट मीन्स इसकी जो एडवांटेज है, मेन एडवांटेज है इसका, वो हम देख लेते हैं एडवांटेज क्या है इसका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एडवांटेज है कि आप इसके थ्रू यानी कि टैबे रिएजेंट के थ्रू, नॉर्मली विटिग रिएक्शन में क्या होता है कि विटिग रिएक्शन में ये लिमिटेड है फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए लिमिटेड, जहाँ पे आप जो ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्डेड कार्बन से आप रिप्लेस करते हो वायलेट से, ओके, विटिग रिएक्शन के अंदर। बट अगर टैबे रिएजेंट के अंदर आपके पास क्या फैसिलिटी मिलती है कि टैबे रिएजेंट इज यूजफुल फॉर ऑलिफ्लेशन विद, आप चाहे एसिड एसिल क्लोराइड ले लीजिए, या आप एस्टर ले लीजिए, या आप एमाइड ले लीजिए, या आप एल्डिहाइड ले लीजिए, एल्डिहाइड के लिए भी ये एप्लीकेबल है, ये कीटोन के लिए भी एप्लीकेबल है, ये अदर मॉलिक्यूल के लिए भी एप्लीकेबल है जहां पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, तो सभी के अंदर ये क्या करेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन से, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इसी कारण से इस रिएजेंट की जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है, कह सकते हैं कि क्यों ये मोर इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन क्यों आस्क होते हैं, तो यही रीजन है कि इसकी जो यूजफुलनेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया था, कि किसी भी रिएजेंट ले लीजिए, चाहे वो एस्टर हो, चाहे हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे वो अदर कोई साइक्लिक लैक्टम या लैक्टोन हो, उन सभी के अंदर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के अंदर ये कन्वर्ट करता है। तो आपके पास, तो चलिए इसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक नंबर कार्बन, देखिए वन बाय वन शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताया वही मैं यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल था दिस वन, जो कि हमारे पास है एमाइड, दिस इज कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड NR2, हमने लिया यहाँ पे टैबे रिएजेंट एरो के ऊपर, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए मैंने बता दिया टैबे रिएजेंट, इससे आपके पास ये बनेगा सीपी ट्वाइस टाइटेनियम CH2। अब ये बनने के बाद आपके पास क्या होगा, इसको अरेंज करना है आपको, जस्ट जो आपका एमाइड है ये एल्डिहाइड या कीटोन है उसके नीचे ऐसा अरेंज करना है कि टाइटेनियम के नीचे रहे ऑक्सीजन और कार्बन वाले कार्बन के नीचे रहे आपका रिएजेंट का कार्बन, फिर इसको नेम दे दीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो नेम दे दो 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको 1 एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करना और टाइटेनियम के साथ ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना, तो आपके पास बन गया दिस इज 1 नंबर दिस इज 4 नंबर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट, वहां पे अगर मैंने ले लिया, ओके। डायरेक्ट चाहता तो भी मैं बता सकता था कि जो आपका ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कर दो CH2 से। इसी टाइप से आपके पास एक इम्पोर्टेंट ही हम बोल सकते हैं, ये है हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल। अब इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हमको देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से, पहला एल्डिहाइड है और सेकंड जो है आपके पास एस्टर है। मुझे पता है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, है ना, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी
इसी तरह अगर आपके पास, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी में एल्डिहाइड जो रहता है, एल्डिहाइड को मैं ए एल डी से रिप्रेजेंट करता हूं। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर पोर्शन, ओके ये रहेगा। और तो अगर मैं टैब रिएजेंट यूज में करूं तो पहला जो डबल बॉन्ड मुझे देखने को मिलेगा वो एल्डिहाइड के ऊपर देखने को मिलेगा, बट अभी मुझे एस्टर वाले डबल बॉन्डेड ओ के ऊपर बनाना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज में लेंगे, वन टू एथिलीन डाइऑल इन एसिडिक कंडीशन में। जब मैंने प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बताया था तो उसके अंदर हमने देखा था, तो वन टू डाइऑल अगर आप यूज लो, एथिलीन डाइऑल है ये आपके पास इन एसिडिक कंडीशन में, तो प्रोटेक्शन होगा किसके, एल्डिहाइड का। तो ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन, फाइव मेंबर रिंग बन गया, ये क्या बन गया, एसिटाइल बन गया आपके पास। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर। अब सेकंड स्टेप हमने क्या किया, टैब रिएजेंट यूज में लिया, यहाँ पे सेकंड के अंदर टैब रिएजेंट, तो टैब रिएजेंट यूज में लिया, तो जो एस्टर ग्रुप है ये आपका एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप के अंदर जो आपका कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ एक्वास से, दिस वन ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो दिस वन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से। अब लास्ट स्टेप में जब आप यहां से मुझे इंपॉर्टेंस इसकी चालू हो जाती है इस क्वेश्चन की, अब आपने क्या किया कि डी प्रोटेक्शन के लिए H3O+ यानी कि वाटर को एसिड के साथ यूज में लिया, ठीक है, एसिडिक मीडियम यूज में लिया डी प्रोटेक्शन के लिए, एसिड ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं वाटर ज्यादा एसिड कम। उस कंडीशन में क्या हुआ कि पहला जो H+ है वो किसके ऊपर बाइंड अप होगा, ये बाइंड अप होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, तो यहां पे बन गया OH+, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सेकंड ऑक्सीजन आपके पास दिखाई दे रहा है उसके लोन पेयर कार्बन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, तो ये यहां पर अटैक, तो ये बॉन्ड आपका ओपन, दिस वन यहां पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो टर्मिनल के ऊपर OH बन गया, ये जो टर्मिनल पे OH बना मुझे हाईलाइट करता हूँ येलो से, जिसे मैं पहले राइट साइड में ले लेता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, दिस वन, ओके। ये आपके पास शिफ्ट हुआ था टर्मिनल पे और ऑक्सीजन के लेन पे अटैक किए, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया था, और ये आपके पास कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन एच टू है। अब मैं पहले नाम देता हूँ कितने मेंबर की कौन सी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही, तो दिस इज वन नंबर, टू थ्री फोर, दिस इज फाइव सिक्स सेवन एट, समथिंग इस टाइप से स्ट्रक्चर है। तो अब एस्टर ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे वन नंबर कार्बन पे, तो इससे क्या होगा कि वन, और इसे मैं नाम देता हूं वन टू थ्री एट, या मैं इसको नाम देता हूं, सपोज कीजिए मैं इसको वन टू थ्री फोर फाइव नाम मैं यहां पर देता हूं, इसे मैं देता हूं फाइव नंबर, बाकी को मैं मिटा देता हूं, उसका मुझे यूज नहीं पड़ेगा, तो अदर नेम जो थे उसको मैं ले लेता हूं। तो अब जो सॉरी हाँ, इस एस्टर वाले ओ आर वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर वन नंबर कार्बन पे अटैक करेंगे, तो वन एंड फाइव का एक बोल सकते हो आप बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपका फोर नंबर पे अटैक करेगा, और फोर पे अटैक करने के बाद क्या होगा, जो आपका फोर एंड ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्डेड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो नेगलिजिबल होगा, ठीक है। तो आपको फाइव मेंबर रिंग देखने को मिलेगी, देख लेते हैं फाइव मेंबर रिंग कैसे बनी आपके पास, दिस इज फाइव मेंबर रिंग बन गई, नंबर कौन सा था तो वो देखते, तो ये था आपके पास वन टू थ्री, सॉरी नंबर हमने जो देना है हमें वहां से नहीं देना, जस्ट वन मिनट, हाँ नंबर जो हमें देना रहेगा वो हमें देना रहेगा, उसे हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं, रेड कलर से देता हूं, ये रहेगा आपके पास वन, ओके वन नंबर फाइव एंड फोर जुट रहा है ना, तो ये इसको देंगे फाइव, ये रहेगा आपका फोर, ये थ्री, ये टू और ये वन, ओके फाइव एंड फोर आपका जुट रहा है, तो ये फाइव एंड फोर, और वन नंबर पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ रहे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका करवा दो आप हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराएगा तो ये जो डबल बॉन्डेड ओ आर है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्डेड ओ के अंदर ओनली फोर, यानी कि एल्कोहल आपका बाहर निकलेगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाया मैंने, हाइड्रोलिसिस, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्डेड ओ के ऊपर, और आप मिल गया आपके पास फाइव मेंबर रिंग, तो है ये वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये हाइड्रोलिसिस भी मैंने डी प्रोटेक्शन के अंदर करवाया हुआ है, तो फिर स्कार्ब कैटाइन वाला जो हमारा प्ले लिस्ट है उसे आप देख करके वहां से सीख सकते हैं। अब जितना अब मेरे पास कन्वर्ट बन चुका है, अब वापस से एसिडिक कंडीशन अप्लाइड है, तो ये H+ कहां पे, ये जो ऑक्सीजन फ्री है आपके पास यहां पे जाके H+ बाइंड अप होगा, जिस H+ को ये ऑक्सीजन के लोन पेयर
यानी कि बाइंड अप करेंगे और आपके पास मिल जाएगा ये ओ एच प्लस और दिस पूरा का पूरा ब्रांच, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, अगर आपने एसिड ले रखा है, कौन सा एसिड, लाइक H2SO4 आपने यूज में ले रहे हो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये भी मैंने बताया था। HSO4 माइनस जो आपके पास कॉन्जुगेटेड बेस रहेगा वो क्या करेगा, ये इसके नेबरिंग कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस एच को उसने एब्स्ट्रैक्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और दिस ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का डिमिनिश्ड और आपके पास बाय प्रोडक्ट के रूप में मिला एथिलीन डाइऑल। ये क्या मिला आपके पास, एथिलीन डाइऑल, एथिलीन डाइऑल जो प्रोटेक्शन के लिए आपने यूज में लिया था और ये मिल गया आपके पास डबल बॉन्ड साइक्लिक, यानी कि साइक्लोपेंटीन एंड कीटोन आपके पास देखने को मिला, जिसे मैं इस टाइप से भी राइट डाउन कर सकता हूं। तो इस टाइप से मैंने ओवरऑल ये मतलब क्वेश्चन काफी बड़ा है क्यों, क्योंकि इसके अंदर अदर स्टेप भी आ गए थे। टैब रिएक्शन का तो एक स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया, टैब रिएक्शन में इस क्वेश्चन को जो हमने अभी स्टडी किया, जस्ट वन मिनट, टैब रिएक्शन का पार्ट यही तक था, टैब रिएजेंट का पार्ट यहां तक था, टैब रिएजेंट पार्ट थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, टैब रिएजेंट पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट डी प्रोटेक्शन के बाद जो रीअरेंजमेंट चालू होते हैं, जो हमने कार्ब कैटायन के अंदर देखा था, हमने डी प्रोटेक्शन के अंदर देखा था, प्रोटेक्शन के अंदर देखा था, वो चीज यहां पे आपको मेंशन है और वहीं से सारा प्रोडक्ट का रोल चेंज हो जाता है, साइक्लिक मेंबर भी बन जाता है, कीटोन भी बन जाता है, डबल बॉन्ड भी बन जाता है, वहां पे वन बाय वन स्टेप हमको चलना पड़ता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वापस से, और इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।